तौर पर टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, माइनॉरिटी को, मणिपुर हो या नू मेवात में हो, इसमें से आप टारगेट वर्ड हटा दीजिए। अब तो ऑनरेबल कोर्ट ने कह दिया, अलावा पंजाब हरियाणा कोर्ट ने कहा, जिसमें सो मोटो एक्शन लेते हुए ये कहा कि ये जो नू के अंदर कार्रवाई है ये एथनिक क्लिनजिंग की है, नस्ल कुशी की है। तो इसमें आप टारगेट वाली बात छोड़ दीजिए कि साहब ये शायद कोशिशें हैं, ये सीधे सीधे से उस तरफ चल चुके हैं ये लोग। मणिपुर के अंदर भी वही हो रहा है जो आज ये यहाँ पर हो रहा है। तो पूरी तरह से वेल प्लान सब कुछ है और वेल प्लानिंग के साथ में ये लोग, इन्होंने अपना कैडर तैयार करके, उनको ट्रेनिंग दे करके ये तमाम ये काम कर रहे हैं। लेकिन इस बात का हमें सुकून है कि जब तक हमारे पास हमारा संविधान है और मजबूती के साथ में हमारा संविधान इन्फोर्स हो रहा है, जब तक इन सब लोगों की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। जैसे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इन लोगों की इस नस्ल कुशी की इस कोशिश को, जो कि वहाँ पर कर रहे थे नू के अंदर, इसको रोका। मैं फिर कहूँगा सो मोटो अपने आप, कोई उनके पास पिटिशन नहीं गया, क्योंकि लोगों को इतना डरा दिया गया। सबसे पहले तो उनको ज़हनी गुलाम बनाया गया, ज़हनी गुलाम बनाने के बाद में जब उन लोगों के साथ में ये हो गया, ऐसा हमारी बात कोई सुनने वाला ही नहीं है, हम कहीं नहीं जा सकते। तो ऑनरेबल कोर्ट ने खुद आकर के, आगे आकर के उस पर एक्शन लिया और ये ऑर्डर किया, उनके इस ऑर्डर के तहत वहाँ पर ये तमाम जो डेमोलिशन की कार्रवाइयाँ हो रही थी वो बंद हुई। इसी तरह से मणिपुर वाले मैटर में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर स्वतः संज्ञान लेते हुए ये बात कही कि क्या अब लॉ एंड ऑर्डर को हमें अपने हाथ में लेना पड़ेगा। तो ये सरकार के मुंह पर एक करारा तमाचा था कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए से, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के द्वारा। और मेरा ख्याल ये है कि इसके बाद, इस टिप्पणी के बाद, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो केंद्र सरकार के लिए थी, ऑनरेबल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की जो कि हरियाणा गवर्नमेंट के लिए थी, इन दोनों गवर्नमेंटों को अब बने रहने का कोई हक नहीं बनता है। इन दोनों गवर्नमेंटों को हकीकत में तो बर्खास्त कर देना चाहिए। ये बुलडोजर जो है, कहा जा रहा है कि एक ही कम्युनिटी के घरों पर गिराया जा रहा है, क्या समझते हैं? बिल्कुल एक ही कम्युनिटी के घरों पर बुलडोजर चलाया गया। तभी तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने, कि साहब ये एथनिक क्लिनजिंग की बात है, ये एथनिक क्लिनजिंग के तहत कार्रवाई हो रही है, ये कोई बुलडोजर कार्रवाई नहीं है। बुलडोजर कार्रवाई है कि साहब ने नोटिस दिया था हमारे पास, तो ये लॉ को इन्होंने वायलेट करके बिल्डिंग बनाई। जो बिल्डिंगें एक रात में नहीं बन जाती, बिल्डिंगें बनाने में वक्त लगता है। इसीलिए जब एक साथ आप 200-250 घरों को तोड़ोगे, जिसमें आप उनके कमर्शियल संस्थानों को भी तोड़ोगे, रिहायशों को भी तोड़ोगे, तो फिर उसमें कोई शक की गुंजाइश रह भी नहीं जाती। और अब तो वैसे भी चूंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट की उसमें मोहर लग चुकी है, टिप्पणी है ऑनरेबल हाई कोर्ट की, तो कोई शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि ये पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को एथनिक क्लिनजिंग करने के तहत ये कार्रवाई की गई थी। सवाल है, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कहीं किसी तरह कोई घटना हुआ है तो उस पहले से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ऐसे एक तरह से जजमेंट पास करता है कि अगर किसी कोई घटना हो तो घर ना तोड़ा जाए, जो भी गुनहगार है उसको जेल में डाला जाए, इस पर थोड़ा सा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया जिसमें ये कहा कि देश के अंदर, पूरे देश के अंदर कोई भी अगर हेट स्पीच देता है तो उसके खिलाफ किसी कंप्लेंट की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश के कानून में पहले कंप्लेंट होगी तब कोई एक्शन लिया जाएगा। उसमें ये ऑर्डर किया कि सीधे सीधे उसके खिलाफ एफआईआर करें और उसको बंद करने का काम करें। लेकिन हमने ये देखा है, और अभी भी खास तौर से मैं आपके माध्यम से भी ये बात तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, बताइए मुझे, क्या मनु मानेसर के खिलाफ एफआईआर हुई? ये पूरा जो सानिया है गुड़गांव, ये गुड़गांव वाला, गुड़गांव में जो हाफिज साहब की शहादत हुई, या नू के अंदर जो ये तमाम इंसिडेंट हुए, ये मोनू मानेसर की उस भड़काऊ स्पीच के बाद, ये भड़काऊ बयान के बाद, ये भड़काऊ वीडियो के बाद ये तमाम चीज़ अस्तित्व में आई। कितनी एफआईआर उसके खिलाफ हुई? जो बजरंग दल के लोग और जो विश्व हिंदू परिषद के लोग हथियारों में, हाथों में हथियार लेके चल रहे थे, जो भड़काऊ भाषण देते हुए चल रहे थे, भड़काऊ नारे लगाते हुए चल रहे थे, कितनी एफआईआर उनके खिलाफ हुई? जो टेलीविज़न चैनल के अंदर बैठ करके पैनलिस्ट के नाम पर इन संगठन के लोग रात दिन लोगों को उकसा रहे हैं कि हम ख़त्म कर देंगे, हम कुचल देंगे, ऐसे ऐसे अल्फाज दे रही हैं, कितने उनके खिलाफ एफ आई आर हुई? जो टेलीविज़न चैनल्स के एंकर्स हैं जो इस चीज़ को और बढ़ावा दे रहे हैं, रात दिन वहाँ पर शाम को 4 बजे से 5 बजे से रात को 10 बजे तक जो हिट स्पीच का सिलसिला चलता है, बताइए कितनी एफ आई आर उनके खिलाफ हुई? कोई एफ आई आर नहीं हुई। ऑनरेबल कोर्ट ने ऑर्डर किए, ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर के बाद में जो
लॉ एंड ऑर्डर की बात है वो सरकार की जिम्मे होती है। ऑनरेबल कोर्ट ने इसीलिए हरियाणा उसमें मणिपुर वाले मैटर में कहा था कि क्या लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले लें। हो सकता है कोई दिन ऐसा भी आ जाए कि ऑनरेबल कोर्ट कहे कि आपके बस की अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है तो लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में हम ले रहे हैं। वो दिन भी आ सकता है अगर भारत के लोगों ने ऐसी सरकारों को हटाने का काम नहीं किया। इसको हमारे देश की इस सरकार को या इस कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे देश के लोगों के द्वारा बचाने की सबकी जिम्मेदारी है कि इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन अगर बचा रहेगा, डेमोक्रेसी बची रहेगी, प्रजातंत्र बचा रहेगा। वरना अगर ऐसे लोगों के हाथ में ही सरकारें रहीं तो आप यकीन जानिए फिर ऑनरेबल कोर्ट्स को इस तरह के ऑर्डर भी पास करने पड़ेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर भी उन्हीं के हाथ में चला जाए। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है उसके बावजूद भी जो है लगातार हेट जी, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही है, क्या इसके पीछे लगता है? इसीलिए तो मैंने ये कहा है कि चूंकि हेट स्पीचेस के बावजूद भी जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मान रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से तमाम लोगों से कहना चाहता हूं और हम भी इसमें कार्रवाई कर रहे हैं कि अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मान रहे हैं, आपके संज्ञान में जितनी वीडियो आती हैं, आप कंसर्न हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन या पिटीशन लगा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर का हवाला देके कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया, यहाँ पर यह स्पीच दी गई, इसके बावजूद FIR नहीं हुई, उस जो संबंधित एरिया है वहाँ के कलेक्टर के खिलाफ, वहाँ के SSP के खिलाफ, वहाँ के SP के खिलाफ, वहाँ के SHO के खिलाफ और जो जिम्मेदारान है उनके खिलाफ कंटेंट ऑफ कोर्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। और आप यकीन जानिए जिस दिन लोगों ने जाग गए लोग और लोगों ने इस तरह की पिटीशन डालनी शुरू कर दी कंटेंट ऑफ कोर्ट की इन तमाम अधिकारियों के खिलाफ, तो आप यकीन जानिए ये देश जिस चीज़ के लिए दुनिया भर के अंदर मशहूर है, गंगा जमुनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम या तमाम जो धर्म के लोग हैं एक साथ रह सकते हैं, उसके जो एकता की सूत्रधार है वो फिर से जमाना लौटेगा। लेकिन इसमें संघर्ष करने की आप सबको भी जरूरत है। सर हरियाणा में महापंचायतें हो रही, कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम फेरी वाले हैं, रेड़ी वाले हैं, सबको भगाया जा रहा है, खाली करो हरियाणा, इस तरह की बातें की जा रही है। सर मैं बार बार यही बात मैं कह रहा हूँ कि कोई भी संज्ञान में आती है किसी के भी, वो फौरन सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उस पर स्वतः संज्ञान ले, FIR करे। टीवी पे बोल रहे हैं, तभी तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर उन टीवी के पे जो लोग बोल रहे हैं, जो थाने के सामने स्पीच दे रहे हैं, तमाम वीडियोज है ना, इतने बड़े बड़े संगठन है ना, इन संगठन के लोगों ने सिर्फ एक काम कर ले, आम आदमी एक काम कर ले, हम भी उसमें से एक हैं, हम भी उस काम को कर रहे हैं कि उनके खिलाफ कंटेंट पिटीशंस फाइल करें कंसर्न ऑनरेबल हाई कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है, उसके बावजूद भी यहाँ पर ये हेट स्पीच दी गई है, उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी FIR नहीं हुई है, इन लोगों को नहीं रोका गया है, इन लोगों के खिलाफ न सिर्फ एक्शन हो बल्कि जो संबंधित अधिकारी हैं उनको भी जेल भेजने का काम हाई कोर्ट करे। क्या बात कर रहे हैं, कोई विशेष समाज के अगर कोई मुस्लिम उस तरह से बोल दे तो उस पर तो UAPA NSA लग सकता है, तो ये डबल पॉलिसी क्यों? क्या आपको लगता है कि एक तरफा सब कुछ कार्रवाई हो रहा है, एक तरह से डाउन करने की कोशिश हो रही है एक खास समाज को? मैंने आपसे कहा ये मेरे लगने की अब बात ही नहीं है, इस पर तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा उसकी टिप्पणी आ चुकी है, उसके ऑर्डर में आ चुका है कि एथनिक क्लींजिंग का मैटर है ये, तो इसमें मेरी राय का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, किसी की राय का मतलब ही नहीं रह जाता, जुडिशियल ऑर्डर है या जुडिशियल टिप्पणी है, जुडिशियल रिमार्क है ये, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती है। अब तो उसके बावजूद भी अगर एक्शन नहीं लिया जा रहा है तो उन सरकारों को बर्खास्त करना चाहिए, अगर ये सरकारें जो सिस्टम है वो बर्खास्त नहीं कर रही हैं तो फिर आंदोलन होने चाहिए, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो नहीं होनी चाहिए हमारे देश में और नहीं रह सकती हमेशा के लिए। बहुत धन्यवाद।